birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Adya. Happy birthday to you. यहाँ पर भंडारा के पावन पर्व पर आश्रम की ओर से साईं भक्तों के सौजन्य से ठंड के मौसम पर गरीबों को कंबल बांटा जा रहा है। दान देने वाले को परमात्मा साईं बाबा भला करे। इस प्रकार इस आश्रम में दान की प्रक्रिया चलती रहती है। आप भी अगर सहयोग करते हैं तो इसी प्रकार का हम आए दिन लोगों को दान करते रहते हैं और आप भी इसमें सहयोग प्रदान करेंगे। आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो में, आज है गुरुवार, साईं बाबा का वार और आज है बाबा के प्रिय भक्त का जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर बाबा के दरबार में वृहद भोजन सेवा जारी है। कुछ ही देर में आद्या बेटी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर केक काटा जाएगा और बच्चों को शिक्षा सामग्री वस्त्रों का दान किया जाएगा। तो आप सभी भी आद्या बेटी को जन्मदिवस की बधाई दे। साथ ही आप सभी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। बाबा की समाधि मंदिर और बाबा की द्वारका माई आंगन के सामने यह बृहद भोजन सेवा बाबा के प्रिय भक्त के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पे बाबा के दरबार में संपन्न होने जा रहा है। तो आप सभी भक्तों से बार बार पुनः आग्रह, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी पर बाबा की कृपा बनी रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हे साईं बाबा, हम सभी बच्चों की ओर से, हमारी बड़ी बहन आद्या दीदी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हम सभी आपके दरबार में यह प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। आद्या दीदी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम साई राम। राम। तो बाबा के दरबार में अब बाबा के प्रिय भक्त साईं धाम के संचालक जी के द्वारा बाबा जी को भोग लगाया जाएगा। आज गुरुवार है, साईं बाबा का वार है, बाबा के प्रिय भक्त के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर बच्चों को भोजन सेवा यह कराई जा रही है। तो बाबा जी ये बताएंगे, आज गुरुवार है और आद्या श्रीवास्तव जी के जन्मदिन पर इनके द्वारा बहुत सी राशन की सामान भेजा गया है, दक्षिणा भी भेजा गया है। उसके तहत आज पूरी, केला, छोले की सब्जी, टॉफी, पुस्तक, चॉकलेट, पेन, खिचड़ी आदि इनके बच्चे के जन्मदिन पर साईं बाबा को भोग लगा रहे हैं ताकि बाबा इनकी सब मनोकामना पूरी करें और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनकी भी साईं बाबा मनोकामनाएं पूरी करें। हम सर्वप्रथम साईं बाबा को पूरी
का भोग लगा रहे हैं, फिर बाबा को हम छोले की सब्जी का भोग लगा रहे हैं, फिर बाबा को हम खिचड़ी का भोग लगा रहे हैं, फिर बाबा को हम केले का भोग लगा रहे हैं, बाबा को फिर हम पार्ले बिस्कुट का भोग लगा रहे हैं और साईं बाबा के चरणों पर यह काफी अर्पण कर रहे हैं ताकि उनका बच्चा इस काफी के द्वारा पढ़ लिख के महान बने। साईं बाबा को हम यह जल अर्पण कर रहे हैं। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो आपकी सालगिरह में, आपके जन्मदिन में, आपके बच्चों के जन्मदिन में हमसे संपर्क बनाइए। इसी प्रकार का प्रोग्राम हम आपके सामने करते रहते हैं। धन्यवाद। बाबा का वह भोग को बाबा के प्रसादी में मिलाया जाएगा ताकि सभी भक्तों को, तो अब इस प्रसादी को सभी प्रसाद में मिलाया जाएगा। खिचड़ी प्रसाद को मिलाया जा रहा है ताकि यह प्रसाद सभी को प्राप्त हो, कोई भी इस प्रसाद से छूटा ना रहे। यह प्रसाद मिल चुका है, अब इसका वितरण किया जाएगा। सर्वप्रथम बच्चों को केला फल वितरण किया जा रहा है। बाबा के भक्तों को खिचड़ी का प्रसाद जो साई प्रसादी में आता है उसका वितरण किया जा रहा है। अगप्री प्रसाद पूरी सभी बच्चों में वितरण किया जा रहा है। साई नारायण नारायण नारायण। बाबा के दरबार में अब छोले की सब्जी का प्रसाद सभी भक्तों को वितरण किया जा रहा है। बृहद भोजन सेवा बाबा के प्रिय भक्त के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे साईनाथ के दरबार में अब फ्रूटी का वितरण किया जा रहा है। ये बाबा की द्वारका माई के आंगन के सामने अब बाबा के प्रिय भक्त के द्वारा भेजित गई चॉकलेट का दान सभी भक्तों में किया जा रहा है। बाबा जी के दरबार पे भव्य समाधि मंदिर आंगन के सामने में यह बृहद भोजन सेवा जारी है। आप भक्तों से आग्रह आगे आएं और इस भोजन सेवा में तन मन धन से सहयोग प्रदान कर पुण्य के भागीदार बने। साई बाबा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। एक बार सच्ची श्रद्धा साथ कमेंट में ओम साई राम जरूर बोलें। देख सकते हैं बृहद भोजन सेवा साईनाथ के दरबार में हर गुरुवार की भांति इस गुरुवार को भी संपन्न हो रहा है। बन जाते हैं बिगड़े काम, दिल से बोलो जय साई राम। देख सकते हैं 2 से 3 से 4 से 25 साल के सभी इस भोजन सेवा में आए हुए हैं। बोलो साईनाथ महाराज की। तो बाबा के दरबार में भोजन जारी हो चुका है और आप देख सकते हैं आज की इस भोजन सेवा में है खिचड़ी, छोले की सब्जी, पूड़ी, फल, मीठा में है चॉकलेट, फ्रूटी और इसके बाद शिक्षा सामग्री का दान, वस्त्रों का दान बाबा के दरबार में किया जाएगा। आप सभी भी इस सेवा में जुड़ना चाहते हैं तो आगे आएँ और इस सेवा में जुड़कर तन मन धन से सहयोग प्रदान करें। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। भंडारे के बाद आज्ञा श्रीवास्तव के जन्मदिन पर आश्रम में गरीब बच्चों को काफी आदि वितरण किया जा रहा है ताकि उनका जीवन अच्छा रहे और साईं बाबा का आशीर्वाद सदैव इस आश्रम से उनको प्राप्त होता रहे। बोलो साईं बाबा की। साई नारायण नारायण नारायण, साई नारायण नारायण नारायण। यहाँ पर भंडारा के पावन पर्व पर आश्रम की ओर से साई भक्तों के सौजन्य से ठंड के मौसम पर गरीबों को कंबल बांटा जा रहा है। दान देने वाले को परमात्मा साई बाबा भला करे। इस प्रकार इस आश्रम में दान की प्रक्रिया चलती रहती है। आप भी अगर सहयोग करते हैं तो इसी प्रकार का हम आए दिन लोगों को दान करते रहते हैं और आप भी इसमें सहयोग प्रदान करें। गुरुवार है, बोलोगे? हाँ।
चलाओ। मोजा का दान दिया जा रहा है। हैप्पी बर्थडे डियर आद्या, हैप्पी बर्थडे आद्या श्रीवास्तव की ओर से यहाँ पर जन्मदिन पर साईं बाबा को भोग लगाया गया है और साईं बाबा के द्वारा आज गरीबों को भोजन कराया जा रहा है। उस परिवार को श्री साईं बाबा सेवाश्रम संस्थान की ओर से मंगल शुभकामनाएं आशीर्वाद और वह बच्ची एक दिन कलेक्टर एसपी बने, यही हमारा आशीर्वाद है और इसी प्रकार आपका सहयोग इस आश्रम में बनता रहे ताकि आपका जीवन अच्छा रहे, जीवन खुशी में अंदर और बाहर सब में एक साल एक साथ बना रहे। इन्हीं सारी बातों के साथ नए वर्ष की शुभकामनाएं के साथ हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। तो ये था बाबा का दरबार, साईं का दरबार हूबहू शिरडी धाम, जहां बृहद की संख्या में बच्चे आ चुके हैं बाबा की भव्य समाधि मंदिर आंगन और बाबा की द्वारका माई आंगन के सामने। अगर आपके भी जीवन में कष्ट है, अगर आप भी हैं परेशान, तो एक माह की लकड़ी, एक माह का तेल बाबा के अखंड धुनी अखंड ज्योत में प्रेषित करें ताकि बाबा आपके कष्टों को दूर करें। यह वीडियो से अगर आपको लाभ होता है, अगर आप भी अपने परिवार के नाम से बच्चों को भोजन कराना चाहते हैं, तो संपर्क जरूर करें। साईं बाबा की पसदेव आप पर बनी रहे। ओम साईं राम।